बताए सर दीप दो स्टॉक है जो आज जीरो स्टॉक के तौर पर दिख रहे हैं पहला तो पी वी आर आईनोक्स साढ़े तीन परसेंट नीचे है इस स्टॉक में पंद्रह सौ तीस के आसपास पास के लेवल और वजह साफ है कि जिस तरह का आ, मतलब लोगों का कि लंबा वीकेंड है किसी से लिए हुआ लंबा वीकेंड करेंट और उस लंबे वीकेंड पे पर लोग बहुत देखेंगे लेकिन शायद वैसा रेस्पॉन्स मिला नहीं जैसा लोग देखना चाहते थे और स्पेशली मेरे ख्याल से लोगों को थोड़ा लगा भी कि इतनी बड़ी बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म है तो बढ़िया चलेंगी ये होंगी तो मामला दोनों तरफ थोड़ा ढीला रहा सिंगम अगेन और में तो उसका इंपैक्ट आपको एक तो आजकल वैसे ओ ओटीटी वगैरह से इनको बड़ा कॉम्पिटिशन करना पड़ता है ठीक है दूसरा ये सारा मामला ये होता दिख रहा है तो उस उस चक्कर में ये पहला स्टॉक है दूसरा स्टॉक एक और में इंटरेस्टिंग पी एस यू स्पेस से कोल इंडिया दो परसेंट नीचे है कोल इंडिया का स्टॉक और दीप आज कोई खास वजह ऐसी नहीं है जिसकी वजह से कोल इंडिया नीचे हो आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी हमने इस स्टॉक को सेलेक्ट किया था बिल्कुल नतीजे के बाद और मैंने कहा था दो चीजें हैं इस स्टॉक के लिए जो बड़ी नेगेटिव हो रही है तो वैसे भी जो आपके डेटा आए हैं ऑफटेक के वो ढीले हैं नतीजे जो आए वो काफी ख़राब रहे हैं। और अब जो है अपना प्राइसिंग फॉर्मूला जो चेंज कर रहे हैं इससे जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही थी ना कॉलिंग अब मुझे लगता है कि जब तक वो चेंज नहीं होगा ना मैनेजमेंट का जो डिसीजन है प्राइसिंग फार्मूला और वॉल्यूम फार्मूला चेंज करेगा तब तक ये स्टॉक है ना अब इसके लिए चल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा बहुत मुश्किल है और अब ये अंडर परफॉर्म करेगा मेरे ख्याल से अब जब कमजोरी दिखेगी मार्केट में तो गिरने में आगे रहेगा बढ़ने में कितना बढ़ पाएगा देखना होगा तो मुझे लगता है कि फंडामेंटली थोड़ा सा कोल इंडिया ना इस ये पॉलिसी बदलाव के बाद में वीक होता हुआ दिख रहा है और आज इसीलिए दो परसेंट ये स्टॉक आपको कमजोर भी नजर आएगा तो आज दो ही, जीरो स्टॉक है बाकी रहा सवाल हीरो स्टॉक का तो ढूंढने से मिल नहीं रहे <laughs> तो बड़ा मुश्किल है हाँ। लेकिन हाँ एक चीज़ जरूर है कि अगर हीरो स्टॉक में कोई आप ढूंढना ही चाहे तो आपके लिए महिंदा महिंद्रा ये जो परसेंट मजबूत है नेचुरली इस खराब बाजार में मजबूत है ओके तो चलिए ये है आपके लिए स्टॉक्स पर फोकस इस समय जो आ रहा है बंस, बंसल जी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं हां मूवीज पर अच्छा मैंने बोला टिप्पणी हाँ। करें जी बंसल जी हाँ। कुछ कहना चाहते हैं मेरे पर कोई विशेष टिप्पणी आप जी अनिल जी टिप्पणी भी है और आपको अनिल जी साथ भी दे रहा हूँ अनिल जी पी पर जो आपका व्यू अनिल जी बिल्कुल चार्ट डिस्टॉर्ट हो रहा है और एक चीज बोलना चाहूंगा अनिल जी थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर रहा हूँ मैं सेकंड हाफ के लिए अगर इसी तरीके से अपने लोज के आसपास क्लोज होगा तो हम भी इस पर आज एक सेल रिपोर्ट निकालेंगे क्योंकि टेक्निकली अपवर्ड स्लोपिंग फ्लैग पैटर्न से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकडाउन आया और जिस तरीके की चौपी मार्केट है इस तरीके की मार्केट में अनिल जी एडवेंचर नहीं कर रहे हैं बेसिकली क्लोजिंग की वेट कर रहे हैं तो दो बजे के अराउंड कॉल लेंगे टेक्निकली पैटर्न डिस्ट्रॉटेड है और किसी भी तरीके के सपोर्ट को नहीं ढूंढना चाहिए और अनिल जी जो टिप्पणी बोल रहे हैं तो अनिल जी का अगेन तो ऐसी मूवी अनिल जी दो बार तो मेरी बैटर आपने मुझे उठाया अनिल जी सो गया था और क्या होता है अनिल जी हम हिंदुस्तानियों को आदत क्या होती है कि पैसे दिया ना पूरा एंड दी एंड देख उठते हैं बीच में उठते नहीं है उठ जाना चाहिए था अनिल जी बहुत ही बेकार पिक्चरें रिलीज हुई है तो वो वीकेंड वाला तो चीज खत्म हो गई जो उन्होंने कम तो 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 दो दो है देखे देखे। दो इस उम्र में आदमी पिक्चर रोल में जाके सो जाता है मतलब जरूरी पिक्चर खराब ही हो एज का भी फर्क पड़ता है इस एज में अगर आप सोए तो कि पिक्चर खराब हो वैसे भी सो सकता है राइट और दूसरा अगर आपको उठाया भी तो उठाया किसके लिए था उठा उठा के ये बोला पिक्चर देखो या उठा के बोला, चलो उठाया था लिए चलो बाहर हाँ। तब तो पिक्चर खराब मानी जाएगी उठा के खाली इसलिए रहे हो इसलिए उठाया गया तो उतनी खराब नहीं मानी जाएगी खराब मानी जाएगी अब हो सकता है इतनी पार्टी वार्टी करे देर रात तक जागे फिर थिएटर में उसको सुकून और शांति की तलाश में वहां पहुंच जाए सो जाए तो पिक्चर खराब हो जाए hmm. ये तो नहीं पॉइंट तो सही है अच्छा और किसी ने देखी है क्या नहीं hmm. और किसी ने देखी है देखी पैनल oh, पे पांच पांच समझदार लोग वाओ <laughs> <laughs> जी बंसल जी <laughs>